मुझे इंटरेस्टिंग कहना चाहिए उसको, मतलब मेरे सीजन के कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, पब्लिक के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली भी, बट सीजन इज ग्रेट, कॉमनर्स आर डूइंग लाइक जरूरत से ज़्यादा फॉर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ राइट। मेरे को लगता है एक दो टीके आकाश के बाकी रह गए हैं शायद, आई थॉट एक दो टीके शायद आकाश के बाकी रह गए हैं, वो लगने चाहिए उसको, वैक्सीन बाकी हैं उसके, लाइक मेनिनजाइटिस काइंड ऑफ कोई बचपन में अगर रह गया हो तो उसका। और बिनाशा को सफाई उसके बॉडी ओडर के वो डियोस गिफ्ट करने चाहिए शायद, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट सो मच। मैं कहना चाहूंगी कि इस साल का बिग बॉस मतलब लोग पागल हो गए हैं, मतलब कंपेटिटिवनेस इतनी ज्यादा है लोगों में, वो स्पिरिट टू विन ऐसी हो गई है कि कोई नई रिलेशंस, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब फेक लग रहा है, एंड आई फील इट्स वेरी स्कैंडलस। और सबसे ज्यादा फेक अब तुम्हें बताना पड़ेगा नाम है एक दो लोग ऐसे जो मुझे थोड़े फेक लग रहे हैं, नाम लेने में डर रही है। नाम लो। Honestly, मतलब I don't wanna be against anyone, but हीना की जो performance अभी तक रही है, जो back biting है, जो हर चीज में involve होने की एक चाह है, वो मुझे थोड़ी सी over the top लगी है, so I think for now, but I would like to give her some time, and she is the best dressed contestant on the show till now. So I love Vikas Gupta. And I like Sapna, because I think वो सही के लिए खड़ी होती है, जब बोलना होता है तभी बोलती है। अपन लोग साथ क्यों हैं जब उन लोगों की choices बिल्कुल मिलती है तो? नहीं, I like Vikas also. Vikas is playing smart. Vikas is great. Like मतलब पूरा दिमाग लगाता है, हर चीज को सोच समझ के खेल रहा है. So I love Vikas.